आपने देख लिया होगा ये पैरोल्पिक के खिलाड़ी है क्रिस्टोफर ट्रोनको नाम है इनका ये दोस्तों मैक्सिकन खिलाड़ी है ये मैक्सिको देश से रहने वाले हैं इनका जन्म नाइन ए एक स्विमर है आपने जैसा कि वीडियो में देखा हुआ इनके पास सिर्फ अपना एक पैर पैर बचा हुआ है और इनके पास अपना शरीर है हाँ दो हाथ दो हाथ और एक पैर इनके पास है नहीं और ये प्रोफेशनल है। स्विमर हैं प्रोफेशनल स्विमर हैं इन्होंने अपनी कंट्री को 2002 में पैरालंपिक में गोल्ड जिताया और 2006 में इन्होंने सिल्वर और 2017 में पैरोल्पिक गेम में इन्होंने कस्य पदक अपनी कंट्री का नाम करवाया तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे मेरे दोस्त ये बोलते रहते हैं हमारा लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है हमारी लाइफ ख़राब है हमारी लाइफ ऐसी है हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं हमारी लाइफ इस तरीके की है हमसे नहीं सहन हो रही ये चीज़ें रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा हमसे पढ़ाई सहन नहीं हो रही हमारा हमसे रिज़ल्ट सहन नहीं हो रहा हम फेलियर हो गए और इन सब चीज़ों को सोचकर जो इंसान जो मेरे भाई जो मेरे स्टूडेंट आज तक सुसाइड कर चुके हैं इसके बावजूद कि वो और अच्छा कर सकते थे मैं आज ये वीडियो उन सभी के लिए बनाना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में समस्याओं को देख कर घबराते चिंतित रहते हैं दोस्तों एक बात बताइए ये जो पैरोलम्पिक खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया इससे तो बड़ी कठिनाई आपको नहीं होगी अपनी पूरी लाइफ में कि आपको अपनी पूरी लाइफ दूसरे के निर्भर रहनी पड़ती हो आप मतलब ये सोच के देखिए कि ये इंसान है जो जो इतने हैंडी हैं जो इतने विकलांग हो रखे हैं वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के निर्भर रहेंगे फिर भी इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई है कि ये पैरा ओलंपिक गेम्स तक पहुंच गए हैं दोस्तों इतना आसान नहीं होता हैंडीकेप्ट होने के बावजूद आप इतने लेवल तक पहुँच पाएं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को समझा के रखना पड़ता है आप कितने लक्की हैं आपको भगवान ने दो हाथ पैर दो हाथ पैर आंखें दिमाग और मेरी गरीबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों आज आप आज आप गरीब हैं तो हो सकता है कल आपकी लाइफ में ऐसे चेंजिंग पॉइंट आ जाए कि आप अमीर हो जाएँ अमीरी गरीबी को आप मत मुसीबतों से ताल्लुक समझिए आप ये समझिए कि एटलीस्ट आपके पास करने के लिए अपने आप के काम करने के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए आपके पास पूरा शरीर है पता है दोस्तों यहाँ पर बात क्या होती है हम क्या होते हैं हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हमारी बॉडी स्ट्रांग है हमारे पास हाथ पैर हैं सही शुक्र सकुशल सह हमारे पास शरीर है अपना पर हम यहाँ से स्ट्रोंग नहीं हैं और ये जो खिलाड़ी हैं वो तो पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं अभी आपने इंडिया का प्रदर्शन देखा होगा उसमें पैरा ओलंपिक्स के कितने खिलाड़ी हैं किसी का एक पैर नहीं है किसी के एक हाथ नहीं है बैडमिंटन खेल रहे हैं लॉन्ग जंप कर रहे हैं कल तो मैंने एक पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी की एक वीडियो देखी जिस उस लड़की के दोनों पैर नहीं थे और उसने पैरा ओलंपिक जंपिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था तो वो लोग क्या हैं वो लोग यहाँ से स्ट्रोंग हैं दोस्तों वो लोग यहाँ से स्ट्रोंग हैं मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है अगर आपका फिज़िकली अच्छा है आप फिज़िकल सही हैं आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आप दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपनी मुसीबतों को ये मत सोच के चलिए कि आपके अंदर आपके लाइफ में आपसे देखिए सबको अपनी मुसीबतें सबसे ज़्यादा बड़ी लगती हैं मेरे को अपनी मुसीबतें और सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी लगती हैं आपको अपनी मुसीबतें सबसे बड़ी लगेंगी पर एट लीस्ट ये सोच के देखिए कि आपके पास आपका पूरा शरीर है सोचने के लिए दिमाग है आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं बस चीज की जरूरत है आपको मेंटली स्टेबल होने की जरूरत है आप जिस दिन मेंटली स्टेबल हो गए और किसी भी समस्या को आप ऐसा मत मान के चलिए कि ये परमानेंट रहने वाली है आपकी कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली अरे परमानेंट तो आप ही नहीं आए इस धरती पर रहने के लिए आप ही कुछ दिनों के मेहमान हैं अगर आपके लाइफ में दुख आए हैं तो वो कुछ दिन के लिए रहेंगे कुछ सालों के लिए रह सकते हैं हो सकता है अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ सालों के लिए भी रह सकते हैं वो दुख आपके लाइफ में वो दुख दुख मैं नहीं बोल रहा वो आपको स्ट्रगल बोल रहा हूँ मैं ठीक है दोस्तों और सुख है सुख भी आपका पूरी लाइफ नहीं रहने वाला आप ये नहीं कि पूरी लाइफ सुखी रहेंगे आपकी एक जैसी जीवन रहेगी जीवन में दोस्तों उतार चढ़ाव आते रहते हैं हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपने ये सोचना है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ इस पढ़ाई करने से या मेहनत इस कार्य को करने से मेरे को ज़िंदगी में क्या हासिल होगा अपने आने वाले गोल को देखिएगा देखिए कोई भी काम करना किसी भी फील्ड में सक्सेस होना इतना आसान नहीं है किसी भी इंसान के लिए उस चीज़ के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी वो जी मेहनत वो मेहनत जो आज तक किसी ने नहीं की होगी उस मेहनत को करना पड़ेगा आपको यू पी एस सी एस होते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत सारे ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने जिनका लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ था और लास्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने अच्छी रैंक दस से बारह तक रैंक हासिल की है मैं सब आज की वीडियो के लिए स्पेशल यही टारगेट किया है मैंने इस जो खिलाड़ी का मैंने आपके बारे में जिस डिस्कशन दिया है इस सब खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है उस इस चीज़ का यह परिणाम निकलता है मैं आपको ये लाइफ का ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत महसूस कीजिए कमज़ोर आप मेंटली हैं आप फिजिकली नहीं कमज़ोर हैं दोस्तों अपने आप को स्ट्रांग बनाइए हर मुसीबत से टैकल करने के लिए कोशिश कीजिए आप देखना ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे मोटिवेशन मैं नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन हो जाएगा दोस्तों मोटिवेशन आपको अपनी रियल लाइफ से होगा आपकी घर की कंडीशन से आपको मोटिवेशन मिलेगा आपके माँ बाप के चेहरे देख आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगर कामयाब हो गया कल को मेरी घर की स्थिति कैसी होगी उन चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलेगा हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए ज़्यादा ऊँचा मत उड़िए घमंडी मत बनिए दूसरों के लिए हेल्पफुल रहिए अगर आप दूसरों के लिए हेल्पफुल रहेंगे आप अपने आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज देखने लग जाएंगे और एक सबसे जो ईमान एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा ईमानदार रहिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं हर एक चीज़ के लिए बस अपने आप को ईमानदार रखिए उस चीज़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के टाइम पे अपने आप को ईमानदार रखिए उस चीज़ के लिए अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए हैं आप दो ही घंटा क्यों पड़े कंटिन्यू फोकस को करके पढ़ें उस चीज़ के लिए ईमानदार बने रहें फोकस रहें आपने जिस टाइम पे खेल करना है मस्ती करनी है उस टाइम पे मस्ती कीजिए उस टाइम पे खेल के लिए ईमानदार बनिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं रिलेशनशिप में हैं उसके साथ ईमानदार रहिए एक ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ाएगी मोटिवेशन रखिए अपने आप को सुबह अच्छी एक्सरसाइज कीजिए अगर सुबह नहीं हो पा रहा तो शाम में कीजिए दिन में कम से कम किलोमीटर तक ऐट लीस्ट दौड़िए या पैदल चलिए अपने आप को हेल्दी रखिए फिट रखिए और देखिए भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा एक फील्ड में निराशा लगने से ये नहीं है कि मैं मैंने मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं हार गया ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है आपको बहुत सारे मौके देगी बस आपको ये कंसंट्रेट होके ये फोकस होके ये देखना है कि मेरे को कौन से मौके का फ़ायदा उठाना है बी अलर्ट रहिए अपने आप को अपना का ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए हेल्दी रहिए फिट रहिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों